राम राम बिसारन है। तो आज अपने पास है अपना 400 वोल्ट स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड, और दोनों ही ये अपने 400 वोल्ट स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड हैं। फ़र्क बस इतना रहने वाला है कि इसका प्राइस अलग है और इसका प्राइस अपना अलग रहने वाला है। जो ये फ्रंट में रखा है इसका जो प्राइस रहता है अपना 1600 रुपये रहता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर हैं वो तोशिबा कंपनी लगे हैं अपने 5198-1941, और जो कैपेसिटर हैं वो आपको 10063 वोल्ट के सेमवा कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली जो हीटिंग लगी हुई है तो इसके कारण इसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है और 1600 रुपये में ही आपको अवेलेबल होता है। इस पर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो मैक्सिमम अपना 30030 लगेगा और अपनी जो आउटपुट है वो आपको मिलेगी। और जो दूसरा बोर्ड है ये अपना, इसमें आपको 5219-1943 के ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे और कैपेसिटर भी अपने 10080 वोल्ट के देखने को मिल जाएंगे जुंजल कंपनी के। जो इसकी हीटिंग है वो भी इससे काफ़ी अच्छी है, या दुगुनी तिगुनी बोल सकते हो जो इसकी मोटाई चौड़ाई है, तो इसके कारण इसका जो प्राइस वो बढ़ जाता है और ये आपको 2000 रुपये में मिलता है। तो क्वालिटी ये अलग अलग रहनी है।